हेलो एवरीवन कैसे आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र के स्मार्ट दुनिया में तो आज बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान कर देंगे आपके काम तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ तो पहला है हमारा सब्जियों को लेकर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब्जियाँ लाते एक साथ फ्रिज में रख देते हैं उनको लेकिन बहुत लोग क्या करते इसी तरीके से थैली से निकाल के बाहर रख देते हैं तो अगर आपके पास एयर टाइट एयर टाइट वाला जो डब्बा आता वो हो तो उसमें रख दो अगर वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से थैली को गांठ लगा के बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं जानी चाहिए चाहे मिर्ची हो धनिया हो कोई भी सब्जी हो आप इस तरीके से इसको पैक करके रखोगे तो आपकी सब्ज़ी कम से कम आठ दिन तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी आप लोग जरूर इस टिप्स को ट्राई करके देखना अगर काम ना करें तो आप लोग मुझे बताना ठीक है तो इसको मैं इस तरीके से मैंने बांध दी अच्छे से पैक कर दिया और इसको रख देंगे फ्रिज में अगर मैं आठ दिन बाद भी इसको निकालूंगी तो भी ये फ्रेश के फ्रेश ही निकलेगी तो चलिए पालक को लेकर भी हम आप लोगों को एक टिप्स शेयर कर देते कि पालक को हम किस तरीके से रखें पालक तो थैली में आती नहीं है तो इसके लिए मैं एक और ट्रिप्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मैं लूँगी पेपर जो न्यूज़ पेपर होता है वो और उसके अंदर मैं इसको पालक को फोल्ड करके रखूँगी ठीक है तो ये देख लीजिए मैंने ले लिया है पेपर और पेपर के अंदर मैं इस तरीके से थैली के साथ ही इसको, इसको इसमें फोल्ड करके रख देंगे तो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं आपकी जैसी पालक है वैसी की वैसी ही रहेगी तो जब कभी मैं पालक लाती हूँ तो ऐसे ही रखती हूँ तो तीसरी टिप से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये देख लीजिए क्या करते कभी हम कोई दूसरा काम करने लग जाते तो चाय हमारे ही निकल जाते तो इस तरीके से मैं जब कभी भी चाय बनाती तो इस तरीके से मैं चलनी डाल देती हूँ ना या चलनी ऊपर भी रखती हूँ तो भी चाय आपकी नहीं निकलेगी तो चौथी टिप से हमारी दाल को लेके दाल चावल को ले तो चावल तो मैं अलग तरीके से ही बनाती हूँ लेकिन दाल को जब कभी भी मैं बॉइल करने के लिए रखती हूँ ना तो सारे मसाले इसमें ऐड कर देते जैसे कि नमक हो गया हल्दी हो गई और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एक या दो चमची तेल ऐड कर देते हैं ना तो उसमें बहुत जल्दी दाल पक के रेडी हो जाती है और दूसरी बात कुकर से पानी बाहर नहीं निकलता तो चलिए हम ऐड कर देते हैं ये देख लीजिए इस तरीके से आपको करना है आप जो सी भी दाल बनाओ उस उसमें इसी तरीके से आप ऐड करोगे ना तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा कुकर के बाहर ढक्कन बहुत अच्छा रहेगा ये देख लीजिए तो आप लोगों को हमारी किचन टिप्स कैसी लगती है अगर अच्छी लगा करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो तो अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको पका लूँगी तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट टिप्स की तरफ तो ये पाँचवीं टिप्स है तो मैं कपड़े इस तरीके से रखती हूँ फ्रेंड देखो गर्म कपड़े मैं एक खाने में तय करके रख देती हूँ और मेरे हस्बैंड के कपड़े एक खाने में रखती होती हूँ मैं मेरे कपड़े एक खाने में रखती होती हूँ ना जिससे कि ढूंढने में बहुत आसानी होती है अगर साथ ही साथ में रख लेते हैं ना तो मिलते नहीं है कपड़े बहुत मुश्किल हो जाती है तो इस तरीके से मैं रखती हूँ ये देख लीजिए और भी हैं ना बहुत सारे तरीके तो वो भी मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी तो ये देख लीजिए इस तरीके से मैंने एक खाने में अपनी साड़ियाँ रखी एक साइड पेटी कोट रखा है और ये जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने नीचे वाले खाने में रख दिया है तो आप लोग बताना कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कम्यूनिटी में शेयर कर देना अपने में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय